उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी के बाद अब अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने 10 विधानसभा सीटों में से 6 के लिए चुनाव प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रभारियों में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद और इंद्रजीत सरोज का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि बची हुई 4 सीटों पर भी पार्टी जल्द ही प्रभारियों के नामों का ऐलान कर देगी। पार्टी की ओर से जारी लेटर में शिवपाल सिंह यादव को अम्बेडकर नगर जिले की कटहरी सीट पर प्रभारी बनाया गया है। वही सांसद अवधेश प्रसाद और लाल बिहार यादव को मिल्कीपुर, वीरेंद्र सिंह को मिर्जापुर की माजवा सीट का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं करहल सीट का जिम्मा चंद्रदेव यादव को दिया गया है। फूलपुर विधानसभा सीट की कमान इंद्रजीत सरोज को मिली है। कानपुर नगर की सीसामाऊ सीट का प्रभारी राजेंद्र कुमार को बनाया गया है, जो कि पार्टी के विधायक हैं। बीजेपी में अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। अखिलेश ने कटहरी का जिम्मा चाचा शिवपाल यादव को दिया है। योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों में अयोध्या का बैक टू बैक दौरा भी कर चुके हैं। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने से खाली हुई है। इसी तरह कटहरी के विधायक रहे लालजी वर्मा भी अंबेडकर नगर के सांसद बन गए। अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले इंद्रजीत रोज को मैदान में उतारा है। दरअसल केशव प्रसाद के पास फूलपुर सीट की कमान है। सपा में इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की कमान मिली है। माना जाता है कि सरोज की रणनीति की वजह से 2022 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट हार गए थे। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें फूलपुर की कमान सौंपी है। राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कई सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन में भी खींचतान चल रही है। इनमें से एक प्रयागराज की फूलपुर सीट है, जहां इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी ने दावा ठोक रखा है। इसे लेकर शनिवार को पार्टी की संगठनात्मक बैठक भी हुई। इस बैठक में नेताओं ने फूलपुर की सीट को कांग्रेस को दिए जाने की मांग की है। बैठक में मौजूद प्रदेश महामंत्री और संगठन मंत्री अनिल यादव ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं से पार्टी हाईकमान को अवगत कराएंगे। पार्टी हाईकमान से ये अनुरोध करेंगे कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इंडिया गठबंधन में फूलपुर की सीट पर कांग्रेस पार्टी खुद ही लड़े। यूपी में विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामाऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी और मिर्जापुर की माजवा सीट शामिल है। इनमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो पहले बीजेपी के पास थी, जबकि कुछ पर विपक्ष का कब्जा था। जैसे गाजियाबाद की सीट बीजेपी के पास थी और अतुल गर्ग विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हो गई है।